जैसे उपनेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात रखी और भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा, जिसको राजस्थान का हर आदमी 98-90B के नाम से जानता है, बड़ी प्रचलित धाराएं हैं। इन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भू राजस्व संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, मेरा इस संबंध में निवेदन है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के उपधारा 8 में जो कृषि भूमियां जिनकी उपधारा 8 के अधीन गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया गया है के नियमन की डेट को कट ऑफ डेट 17 जून 1999 जो अंकित थी उसके स्थान पर 31 दिसंबर 2021 किया जाना प्रस्तावित है। ये केवल एक लाइन इसमें लिखी है, लेकिन सभापति महोदय, इसके पीछे पूरा एक समुद्र मंथन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस प्रकार से अव्यवस्थित शहर बढ़े हैं, और जैसे अभी उपनेता महोदय ने बताया कि जिस प्रकार गुलाब कोठारी जी का जो 2004 की रिट थी और 2017 का जो फैसला आया था, उसके बाद में राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हर आदमी इस बात की एक चिंता करता है कि शहरों के हालात क्या है। सभापति महोदय, ये केवल एक किंतु परंतु जोड़ना था तो कोई बात नहीं थी। हम दिन रात शहर में रहते हैं, दिन रात इस बात को देखते भी हैं और सामने भी है कि इसमें मैं मंत्री महोदय सीधे सीधे 4-5 बातें आपके माध्यम से सभापति महोदय मंत्री जी के सामने रखना चाहूँगा कि आपने कहा 1999 के बाद 2021 तक हम सबको ये गैर कृषि जो भूमि है उसको कृषि अकृषि कार्यों के लिए परमिट करते हैं, इसके लिए बिल लाए। हम आपके बिल के बिल्कुल इस बिल में आपकी बात को सहमत करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि 1999 से पहले कितनी जयपुर में ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको आज तक पट्टा क्यों नहीं दे पाए। मैंने उस दिन कहा था, अरे इससे बेटर ऑफर तो ड्रीम इलेवन पे चल रहा है। द ड्रीम सेल 50% डिस्काउंट ऑन मेगा कॉन्टेस्ट, प्ले नाउ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपके यहां कोऑपरेटिव सेल थी, कोऑपरेटिव सेल इसलिए हटाई गई कि उसमें कोई भी आता, जब लिस्ट पेश करते हैं, मैं माननीय सभापति महोदय जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये 2021 होने के बाद भी मंत्री जी आप इस चीज को लिस्टिंग करवा ली क्या कि कौन सी कॉलोनी कब बसी थी और किसको पहले पट्टा दिया जाएगा और किसको बाद में पट्टा दिया जाएगा। भोले भाले लोगों को सोसाइटी ठग रही है, 250-250 रुपए स्क्वायर गज के जो है वो स्क्वायर यार्ड के पट्टों पर कन्वर्जन के चार्ज जमा हो रहे हैं। 1999 तक का जब रिकॉर्ड जेडीए में जमा था, रातों रात एक फैसला हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में धांधलियां हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, तो कोऑपरेटिव की सेल जेडीए में बंद कर दी गई। किसके इशारे पर हुआ, कौन से अधिकारी थे जिन्होंने आपको मिसगाइड किया? क्यों? क्योंकि कोई आदमी पट्टा लेने जाता था तो वो कोऑपरेटिव की लिस्ट में देखता था कि उस लिस्ट में मेरा नाम है क्या, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उस पर अपनी टिप्पणी करता था, उससे वो डिप्टी कमिश्नर बाउंड होता था। लेकिन अब आपका जेडीए, आपकी यूआईटी सब तुरम खा है। मैंने कहा ना कि 3 साल में जेडीए यूआईटी ने एक भी मामले में, मैंने उस दिन आपसे कहा इतने इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, बिठाओ जांच कमेटी, आप विधायकों की बना दो, सत्ता पक्ष के विधायकों की बना दो। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ थोड़ा सा समय लूंगा सभापति महोदय, शहरों का विषय, सभापति महोदय, एक तरफ कल बुलडोजर जाता है और कहता है कि चारागाह भूमि पर कोई किसान अपना खेत में मकान बना रहा है, चार भाई है, चार मकान बनाते हैं, जेडीए का बुलडोजर जाता है और आम आदमी का मकान तोड़ के आता है। इसी बात पर मंत्रियों का विवाद हुआ, यही मुद्दा था। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम चारागाह भूमि पर पट्टा देंगे, जब आप पट्टा दे ही रहे हो तो बुलडोजर क्यों भेज रहे हो? जब आप पट्टा ही दे रहे हो, एक दिन बाद पट्टा दे रहे हो और एक दिन पहले तोड़ रहे हो, और तोड़ किसके रहे हो? कालू राम का तोड़ रहे हो, भूरा राम को छोड़ रहे हो, आंसू राम का तोड़ रहे हो, पांचू राम को छोड़ रहे हो, ये कौन सा नियम है सभापति महोदय? कोई नियम होगा? तोड़फोड़ करने का दस्ता जाता होगा तो एक लेआउट बनता होगा, किसी को साइट एक जैसी मिलती होगी, सेटबैक एक जैसे मिलते होंगे, किसका मकान टूटेगा और किसका नहीं टूटेगा? ये मंत्री महोदय, जेडीए के कुछ अधिकारी है जो आपको भी ध्यान में है, जो आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, वो सुपर सीएम हो रखे हैं और वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं।
इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा कि थोड़ा सा कोटा से बाहर झांको मंत्री महोदय। इस बार आज जिस प्रकार से अव्यवस्थित हो रहा है, आपने कहा कि हम गोचर भूमि पर देंगे, मंदिर माफी की जमीन पर देंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो व्यक्ति बैठा है मकान बनाकर, यदि वो वाकई इनोसेंट है, यदि उसने आज क्या हुआ सैकड़ों कॉलोनियों में जहां फैसिलिटीज लैंड थी सभापति महोदय, उसमें तो पट्टे काट दिए गए, और जहां पट्टे जिनको दिए हुए थे उसको फैसिलिटीज बता दी गई। अब जहां पट्टे फैसिलिटीज बता रखी है उसमें लोग 20-20 साल से रह रहे हैं, उनको पट्टा दे नहीं पा रहे हो, और जो फैसिलिटीज एरिया नहीं है उसको फैसिलिटीज बता दिया। ये काम किसने किया? ये उन बेस्ट सोसाइटी ने किया जिनको 1999 का सारा रिकॉर्ड लेकर आपके पास जब आ गया था, तो उस रिकॉर्ड को किस मंशा के कारण 2003 तक तो आप खुद थे, ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया? और वो ऑनलाइन नहीं होने के कारण आज तक करोड़ों लोगों के साथ राजस्थान में धोखाधड़ी हुई है, करोड़ों लोगों के साथ। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय, ये शहरी विभाग को आपसे अच्छा कोई नहीं समझता, इसको अभी भी अविलंब आप तुरंत इसको ऑनलाइन करवाएं। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिकॉर्ड जब तक ऑनलाइन नहीं होगा, जब तक ये केवल और केवल अवैध और भू माफिया सोसाइटियां बनकर रह जाएगी, और आम गरीब व्यक्ति इसमें मारा जा रहा है। 600 से ज्यादा कॉलोनी अकेली मेरी विधानसभा में, जो 1999 से पहले की भी बसी हुई है, 1999 के बाद भी बसी हुई है, उनको आज तक ये नहीं पता कि हमको पट्टा लेने के लिए क्या करना है। मैं आपसे मांग करता हूं कि बेशक आप पट्टा दीजिए, आप जनप्रतिनिधियों की पार्षदों की टीम बनाइए, क्योंकि पार्षद ही वो कड़ी है, वो जनप्रतिनिधि जो गली गली घर घर घूमकर, उसमें कांग्रेस का भी होगा और बीजेपी का भी होगा, गली गली घर घर घूमकर वो ये पहचान सकता है कि किसको तो पट्टा देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। केवल और केवल हम अधिकारियों के अधीन काम कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं अधिकारी? मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, जो पीड़ा दिन रात हम देखते हैं उन सोसाइटीज में आज हालत क्या है। सोसाइटी वाले ने पट्टा काट दिया बैक डेट में, उन स्टाम्प की जांच करवा लो, और कुछ नहीं करो, आप एक आदेश कर दो आज, उन सारे स्टाम्प पेपर की जांच करा लो जिसमें 1999 के तक के एग्रीमेंट होकर अभी आपके यहाँ कैंप लगने के लिए आते हो। किन कॉलोनियों के कैंप लगे पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में जहां लोग नहीं रहते हैं, और जहां लोग रहते हैं जो पट्टा मांग रहे हैं वहां कैंप नहीं लगाए जा रहे, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा। यानी केवल भू माफियाओं के इशारे पर पंक्टा कैंप दे लगाकर पट्टे दिए जा रहे हैं, ये कौन अधिकारी काम कर रहे हैं? मंत्री महोदय, सभापति महोदय, मैं ये सारी पीड़ा साक्षात देखकर, दिन प्रतिदिन देखकर, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मैं अभी आपके सामने इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय कि ये सोसाइटियों का मिली भगत का खेल कितना बड़ा है कि 3 कॉलोनियां मैंने उस दिन बताई, शिव एनक्लेव, सेंट्रल स्पाइन, वेस्ट वे हाइट। और मंत्री महोदय, आज मैं आपसे कह रहा हूं 4थी लोहा मंडी जयपुर, इसकी आप जांच करवा लो। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सारे पेपर्स में आपको जमा दे दूंगा, लेकिन 16 होली से ठीक एक दिन पहले 16 तारीख को रात को 11 बजे जेडीए खुलता है, लेकिन पूरा जेडीए नहीं खुलता, ये वीडियो मेरे पास है सभापति महोदय, मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। रात को 11 बजे जेडीए खुलता है, केवल एक जोन खुलता है जिसमें लोहा मंडी के पट्टे बनाए जाने हैं। इन अधिकारियों को हम जेडीए में बिठाकर जनता का भला करेंगे क्या? उनके लिए हम कट ऑफ डेट चेंज कर रहे हैं? रात को 11 बजे, धन्यवाद देता हूं, वो मीडिया के कुछ साथी पहुंचे, उन्होंने वीडियो बनाया, तो इसमें सारे अधिकारी वहां पीछे की थी, वो पीछे से निकल निकल कर भागते हुए इस वीडियो में है। रात को 11 बजे एक जोन खुलता है, रात को 11 बजे यदि खोलना है पूरा जेडीए खोले, मैं अभी आपको दे रहा हूं, मैं ये लाया हूं आपको देकर जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करोगे, और मैं बाकी ये पूरे दस्तावेज जो मैं लेकर आया हूं लोहा मंडी के, ये भी मैं आपको भी दूंगा सारे। मुझे पूरा विश्वास है कि शहरी मंत्रालय के ऐसे मंत्री जो जिनसे विद्वान कोई हो ही नहीं सकता, उनके राज में ऐसे हो जाए, उस अधिकारी की खैर नहीं। मैं आज सारे पेपर आपको जमा करा, ये भी आपसे कहा था कि मां मुझे लिख करके दे दो, लेकिन आप आज तक नहीं दिया। मैं दे रहा क्या, क्या देता? दे दीजिए, मैं सबकी जांच करवा लूंगा। सभापति महोदय, मैं देने के लिए घूम रहा हूँ, मंत्री जी धारा 144 लगवा रहे थे कोटा में, मैं किसको देता? मंत्री जी यहाँ होते जब देता, मंत्री जी तो कोटा में धारा 144 लगवा रहे थे, मैं दर दर घूम रहा हूँ कि मंत्री जी को देऊं कागज कहाँ देऊं? सभापति महोदय, मेरा मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, अरे 1 मिनट सुनिए सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में कंक्लूड करूँ। मेरा इस बिल पर मंत्री जी केवल एक हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बिल के माध्यम से
जिन सोसाइटी भूमाफियाओं को फायदा पहुंचने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक का जो 1999 के बाद सोसाइटियों की जो स्थिति रही है, जयपुर के लाखों लोगों को इन सोसाइटियों ने ठगा है, लूटा है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पार्कों में प्लॉट दे दिए, 80-20 के रेशियो में दे दिए, 90-10 में दे दिए, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है और ना और है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से केवल आखिरी ये पूछना चाहता हूँ कि इस बिल में आप पट्टा दोगे, लेकिन इस बिल में एक शब्द नहीं है कि आधारभूत सुविधाएं, सड़क कौन बनाएगा, नाली कहां से बनेगी, क्योंकि आपने एक्ट में तो ये लिख रखा है जो सोसाइटी ने पट्टा काटा। 50 से ज्यादा मेरे पास क्वेश्चनों के जवाब आए हैं कि जिसने बिल्डर ने कॉलोनी काटी, जिस किसान ने कॉलोनी काटी, जिस सोसाइटी ने कॉलोनी काटी, वो ही आधारभूत सुविधाएं डेवलप करके देगा। लेकिन जेडीए ने ले लिया तो कोई डेवलप नहीं कर रहा है, लोग दर दर के घूम रहे हैं, कौन सड़क देगा, कौन नाली देगा, कौन बिजली देगा, कौन पानी देगा, कौन पार्क देगा, और लोग कहां जाएंगे, ये इस बिल में नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कट ऑफ डेट बढ़ा दे, लेकिन पहले 1999 के जो लाखों लोग बैठे हैं पहले उनको पट्टा दे दो, वरना केवल भूमाफियाओं को पट्टे मिलेंगे, अफसर आपको बदनाम करेंगे। पहले भी कई बार अफसर आपको फंसा कर भाग गए, बाद में आप ही दुख पाते रहे, ऐसे नहीं हो फिर फंसा दें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भोले भाले मंत्री हो, आपको कहीं फिर नहीं फंसा दें, आप मेहरबानी करें और इस बिल को अभी रोक दें, और पहले लोगों को पट्टे देने की पूरी योजना बनने के बाद 2 महीने बाद बिल लेना, 3 दिन में पट्टे दे देना, पहले लिस्ट तो बना लो पट्टे किसको देने। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं ये कहूंगा इस बिल को एक बार वापस ले लें।